वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हरियाणा ब्लॉग अरीना। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी 7:30 मतलब यही टाइम होगा। अभी मंदिर से पूजा करके आई थी, फिर घर में पूजा की और अब ऊपर सूर्य को जल देने के लिए आई थी। तो मौसम मतलब आज ठीक है, काफ़ी रात से बारिश हो रही है। वैसे कल भी बारिश हुई, हल्की फुल्की सी होती रही और आज भी रात से बारिश चल रही है, हल्की फुल्की तेज़, कभी ऐसे ही हो रहा है। और सुबह में इतनी तेज़ बारिश आई, आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आई और इसलिए आज मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो की शुरुआत तो छत से ही करते हैं और आपको दिखाऊंगी ऊपर मतलब आसमान कैसा हो रहा है। आसमान बिल्कुल शांत है और बस पंछी हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल शांत सा माहौल है और ठंडा ठंडा है, बिल्कुल बढ़िया वाला मौसम हो रहा है आज। क्योंकि हर रोज़ तो इस टाइम ऊपर जब मैं जल देने के लिए आती थी ना, बस जल दिया और साथ के साथ नीचे चले जाऊँ, बिल्कुल ऐसे नहीं होता था कि मैं 2 मिनट भी यहाँ पे रुक जाऊँ, इतनी गर्मी होती थी। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो आप सबको भी दिखाऊंगी मौसम बिल्कुल अच्छे वाला। वैसे देखो गर्मी में तो कितने बुरे हाल हो ही जाते हैं, ठंडा सा मौसम होता है ना, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए ऊपर छत पर भी घूम लेती हूँ। नीचे सब सो रहे हैं, बस मैं और पिंकी उठ रही है। पिंकी नाश्ता बना रही है, मैंने अपने पूजा वगैरह का काम निपटाया और दूध निकाल के आ गई थी। पहले आर्यन के पापा दूध निकलवा के लेके आ गए थे, फिर सो गए वो भी आके, क्योंकि ठंडा मौसम है, वैसे कुछ काम नहीं है, बारिश बुरिश हो रही है हल्की फुल्की इस वजह से। तो चलो बातें काफ़ी होगी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अभी आपको मौसम दिखा रही हूँ कि देखो बादल बादल से हो रहे हैं और 2 दिन से जो पहले उमस भरी गर्मी थी ना उनसे बहुत ज़्यादा राहत है, अब तो अच्छा लगने लगा मतलब। और वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखो, और जब मौसम ऐसा होता है ना तो फिर छत पे भी अच्छा लगता है। वैसे गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हम छत पे। और अब दिखा रही हूँ आपको, माटू साइकिल चला रहा है। ये साइकिल चलाता है ना तो हमें किसी को भी इसका ध्यान रखना पड़ता है गली में, हमें एक बंदा फिर भी गली में रहेगा जब ये साइकिल चलाएगा, क्योंकि देखता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। व्हीकल इतने चलते हैं गली में, फिर बच्चे का ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा, किसी की क्या गलती है ये, अगर बच्चे को चोट वगैरह लग जाए। इस वजह से हम कोई एक रहता है इसके साथ। और आज मैं थी, मैंने सोचा कि चलो जब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ कि ऐसे शैतानी कर कर के ये साइकिल चलाता है, ऐसे नहीं चलाएगा कि सीधा चलो गली में मैं यहाँ चला गया वहाँ, इधर उधर घूम के राउंड लगा लगा के आता है। और अभी बाहर से आई हूँ, बस दिखाया आपको कि माटू कैसे साइकिल चला रहा है, देखो। और बाल अभी अभी ऐसे ही हैं, सुबह में देखो ऐसे ही होता है। और अभी मैंने आपको दिखाया माटू गली में साइकिल चला रहा है और आर्यन आज अभी सो के नहीं उठा। चलो एक दिन ऐसे हो जाता है कि अगर बच्चा कह रहा है तो छोड़ देते, चलो एक दिन ज्यादा देर तक सो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। और ये सब ऐसे सामान यहाँ पे है जो ये गाय पे जाएंगे, बच्चा हुआ सामान है ये। वैसे सुबह सुबह ऐसे ही सारा सामान बिखरा हुआ होता है, देखो कैसे फैला पड़ा है ना यहाँ पे सब कुछ, सब ऐसे ही है। और जैसे मेरे बाल फैले हुए हैं, बाल भी मेरे ऐसे ही। अभी हमने नाश्ता किया था ना, नाश्ता करने के बाद फिर हो जाता है ना, कल व्रत था और फिर नाश्ता किया तो थोड़ा सा हैवी सा हो ही जाता है। अब फिर थोड़ी सी देर मैं तो लेट की थी क्योंकि मेरे ना रात से मुझे ना सर में दर्द हो रहा है बहुत ही ज्यादा। बाकी काम करते हैं अभी कपड़े तो लूंगी, ये बाकी का इतना सारा काम पड़ा है, दोनों मिल के ही करेंगे पिंकी और मैं। तो चलो थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ आपको। और अब कपड़े धुल के ऊपर सुखाने आ गई और कपड़े इतने थे ना, कुछ मैंने पीछे भी छत पे डाले, कुछ यहाँ पे डाले और छत पे ये पाइप लाइनें पड़ी है इतनी सारी, खेत में से लेके आए थे ना तो ये बारिश आई थी इस वजह से ऊपर छत पे डाल दी थी कि यहीं पे बारिश के पानी में धुल जाएगी, सूख जाएगी, फिर इकट्ठी कर देंगे इनको, ऐसे नीचे क्या पानी वेस्ट करना। और अब मैं कपड़े सुखा के आ गई, सुखाने के बाद यहाँ पे ये वाला रूम बाकी बचा था मतलब डस्टिंग करने के लिए, इसकी डस्टिंग कर रही हूँ और फिर जो बाहर भेड़ा है उसको धुल दूँगी, वाइपर लगा दूँगी उसमें। और बस यही था काम, सारा काम वैसे निपट चुका है। और छोटे मोटे काम तो देखो घर में लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। और खाने में भी आज हम बिल्कुल हल्का सा बनाएंगे, दाल वाली खिचड़ी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं बनाऊँगी आज, और ना मन है, कुछ सब्जी पड़ी भी है और फिर भी सब बोल रहे हैं कि खिचड़ी बना लो, मतलब मन नहीं है हो रहा किसी का कुछ खाने का। इस वजह से आज खाने में भी बस सिंपल खिचड़ी ही बनेगी,
इसलिए मैं काम भी कुछ आराम आराम से ही कर रही थी, मतलब एक काम कर लिया बीच में, फिर मैंने रेस्ट कर लिया, काम कर लिया और फिर रेस्ट सा कर लिया, ऐसे ही हो रहा था। कुछ तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी। और अब प्लेट आ चुकी है, देखो ये रही दाल वाली खिचड़ी, और उसमें घी डाल के, और साथ में पनीर की सब्जी भी पड़ी हुई थी वो भी है, और गुलाब जामुन, पेड़ा और सफ़ेद वाली दही। तो खा लो आप सब, ये आप सब के लिए है सिंपल सी प्लेट। और अब शाम का टाइम है, शाम के टाइम में वही झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मंदिर का दरवाज़ा खोलती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। भगवान जी को भी रेस्ट की जरूरत होती है जैसे हम सब सोते हैं, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए दरवाजे बंद कर देती हूँ। और अब बस चाय वगैरह पीने के बाद कपड़े फोल्ड किए थे मैंने, जो फोल्ड करने के होते हैं वो रख दूंगी पहले, बाद में फिर प्रेस करूंगी। प्रेस भी लगा रखी है मैंने, जब तक प्रेस गर्म होएगी ना तब तक मैं ये कपड़े जमा देती हूँ जो जहाँ रखने के हैं मतलब। और आर्यन पढ़ाई कर रहा है और माटू वही अपना फ़ोन में कुछ ना कुछ करता ही रहता है, पढ़ाई करता है ये भी, ये नहीं कि ये पढ़ाई नहीं करेगा, करता है। और ये माटू के पिछले साल के बर्थडे की फ़ोटो हैं, इनको हमने अब की बार बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ऐसे मनाते थे हम, इतने अच्छे से मनाते थे माटू का बर्थडे, इसलिए आज मैंने ना थोड़ी सी ये फ़ोटो बीच में ऐड कर दी वीडियो में कि आप सब भी देखना कितने अच्छे से मनाते थे। और इन चीज़ों को हमने मिस किया अब की बार बहुत ही ज़्यादा। और अब कपड़े प्रेस कर रही हूँ, कपड़े प्रेस करने के बाद बस मैं दूध निकालने चली जाऊँगी, और साथ में पिंकी है यहीं पे, बात कर रही हूँ उसके साथ, और शायद ये भी बैठे हैं यहीं, चाय पी रहे हैं ना सब, इसलिए बात कर रहे थे बस। और यही होता है कि काम करते करते कुछ इधर उधर की बातें होती रहती है, होती रहती हैं। और आप माटू के बर्थडे की फ़ोटो देख के बताना ज़रूर मुझे कि कैसा, मतलब मासूम सा था, छोटा सा था। और अब पता क्या बोलता है, अब बोलता है मैं 6 साल का तो हो गया और मैं बड़ा तो हुआ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी शक्ल तो ऐसी है, मैं भाई के जैसा तो हुआ नहीं। ऐसी ऐसी बातें होती है माटू की, मतलब बातें इतनी करने लगा ना, बहुत ज़्यादा करता है। कहता है जब मैं 6 साल का होऊंगा तब मैं पूरा दिन शीशे के सामने ऐसा ही बैठा रहूंगा कि देखूंगा मेरी शक्ल कैसे बदलेगी, ये बातें बोलता है ये। और अब मैं दूध निकाल के आ गई, दूध निकालने के बाद दाल भिगो के रख रही हूँ, दाल बनाएंगे और थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि रात में ना एक दो फुलका ही खाते हैं सब, कोई ज़्यादा फुलके नहीं खाते, इस वजह से थोड़ी ही बनाऊंगी, क्या फ़ायदा फिर वेस्ट जाती है, और इसमें से भी दाल बच जाएगी, वो फिर सुबह में आटे में मिक्स कर लेंगे, हम ऐसे ही करते हैं। और अब पिंकी जब तक दाल में तड़का लगाएगी, आटा बनाएगी, मैं नहा के पूजा कर लूँगी, और यही होता है हमारा शाम का रूटीन। और ये देखो सुंदर सी प्लेट आप सब के लिए है, दाल फुलका और अचार है मिर्च का और करेले का, और ये अचार इतना टेस्टी है ना, ये भी वो दीदी दे के गई थी जिसने मेरा अचार बनाया था। हेलो, बताओ आप सब कैसे हो, सुबह से अब मिल रही हूँ आपसे। तो अभी खाना बना रहे हैं, पिंकी फुलके बना रही है, मैं अभी फुलके मतलब खाना सबको देने वाली थी तो मैंने सोचा पहले आप सबसे बातें कर लूँ और अपनी वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। तो टाइम 8:30 बजे का है अभी, और खाने में आज बनाए दाल और फुलके हैं, दाल और फुलके बस सिंपल सा है क्योंकि दोपहर में भी दाल वाली खिचड़ी बनाई थी। पता क्या कल क्या हुआ, कल कुछ तो व्रत था, फिर पनीर हो गया और थोड़ा सा ना हैवी सा खाना हो गया, इस वजह से आज ना बिल्कुल हल्का फुल्का सा खाना बनाया इसलिए। और वैसे भी हल्का फुल्का सा ही खाना खाना चाहिए व्रत के बाद, तो मतलब अभी मैं सबको दे दूंगी खाना बस, और हो जाएगा काम तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और दूध भी यहाँ पे गर्म हो रहा है, देखो आज ना कुकर में से देखो पानी भी निकला कैसे, ऊपर पीला पीला आ रहा है, आज तड़का साथ में ही लगा दिया था ना, इस वजह से आज कुकर में से पानी निकला। रात में तो हमेशा वैसे भी हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए, हम तो हमेशा ही हल्का फुल्का खाना खाते हैं। तो आपसे बताओ बातें तो चलो यही चलती रहती है, यही चलती रहती है। तो अभी मैं खाना देती हूँ बस। और जन्माष्टमी हमारे यहाँ पे कल थी, कई लोगों के वहां पे आज होगी, मतलब हमने तो मनाई 11 को, कई लोग मना रहे हैं 12 को। तो आप सब बताना कमेंट करके कि आपने जन्माष्टमी कब मनाई, 11 को मनाई क्या 12 को मनाई। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना। तो मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।